चलिए गाइस बात करते हैं सिलियाक डिसीज के बारे में, जो एक ऑटोइम्यून डिसीज है, जो मिस यूनिवर्स थी 2021 की हरना संधु, वो अभी इस बीमारी से सफर कर रही है और इसीलिए ये डिसीज जो है फोकस में है। अब ऑटोइम्यून डिसीज होता क्या है? तो ऑटोइम्यून डिसीज गाइस कुछ नहीं होता, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम होती है उसका काम होता है कि अगर कोई भी बाहर का पार्टिकल्स हमारे बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है, बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई भी है, तो उस पर अटैक करना और उसको मार गिराना। पर कभी कभी क्या होता है, ये ऑटोइम्यून जो हमारा सिस्टम होता है वो पगला जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता, तो वो क्या करता है, हमारे ओन बॉडी के सेल्स पर ही अटैक करना शुरू कर देता है और उनको मारना शुरू कर देता है। अब इसके भी अलग अलग टाइप्स है, आपने देखा होगा अभी अभी, आपको पता होगा कि जो विल स्मिथ है, इन्होंने क्रिस रॉस ऑस्कर अवार्ड के दरमियान उनको थप्पड़ मार दिया था। एक्चुअल में थप्पड़ क्यों मारा था, क्योंकि इशू था विल स्मिथ के बीबी के बारे में, उन्होंने जो क्रिस रॉस ने कहा था कुछ, तो विल स्मिथ की जो बीबी है उनको एक डिसीज था, उस डिसीज का नाम था अलोपेशिया। इसमें क्या होता है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो हेयर फॉलिकल्स पर अटैक करती है और सर के बाल जो है वो झड़ जाते हैं या पूरे बॉडी के बाल झड़ जाते हैं, तो उसको अलोपेशिया कहा जाता है। ये भी एक ऑटो इम्यूनिटी डिसीज ही है। इसमें क्या होता है, तो हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो हमारे सेल्स पे ही अटैक करती है, कभी कभी स्किन के सेल्स पे अटैक करती है तो स्किन खराब हो जाती है, कभी कभी इंटरनल ऑर्गन पे जो है वो अटैक करती है। अभी सिलियाक डिसीज में गाइस ये जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है ये अटैक करती है हमारे इंटेस्टाइन पे, इंटेस्टाइन पे अटैक करने की वजह से ये डैमेज होता है, और ये ज़्यादा डैमेज ना हो इसलिए ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें ग्लूटेन नाम का प्रोटीन है उसको अवॉइड किया जाता है। अब ग्लूटेन किसमें मिलता है, व्हीट है, बार्ली है, ब्रेड है, बियर है, तो ये ऐसे प्रोडक्ट तो स्ट्रिक्टली अवॉइड किए जाते हैं जिनको ये सिलियाक डिसीज है। अब इससे गाइस होता क्या है कि इंटेस्टाइन डैमेज होने की वजह से हमारी बॉडी जो है वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और इसकी वजह से फिर अलग अलग बीमारियां इंसान को होती है, जैसे डायरिया, फटीग, वेट लॉस, वेट गेन, एनीमिया। 2% ज़्यादा चांस होते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज के, 4% ज़्यादा चांस होते हैं स्मॉल बाउल कैंसर के, किडनी डिसीज, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस, इनफर्टिलिटी, मिसकैरेज, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, यानी जैसे हेडेक हो गया, दिमाग की संबंधी बीमारियां हो सकती है, इंटेस्टाइनल कैंसर हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है। अब इस बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं, तो ब्लोटिंग यानी फूला फूला पेट, फूला फूला लगना, नौसा, फटीग, डायरिया, स्टमक पेन, वेट गेन और लॉस या हेडेक, तो ये कुछ इसके सिम्टम्स है। तो ये है गाइस सिलियाक डिसीज के बारे में, जो एक ऑटोइम्यून डिसीज है। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।